कंस की मृत्यु के पश्चात उसका ससुर जरासंध बहुत ही क्रोधित था और उसने कृष्ण व बलराम को मारने हेतु मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। प्रत्येक पराजय के बाद वह अपने विचारों का समर्थन करने वाले तमाम राजाओं से संपर्क करता और उनसे महागठबंधन बनाता और मथुरा पर हमला करता और श्री कृष्ण पूरी सेना को मार देते, मात्र जरासंध को ही छोड़ देते। यह सब देख श्री बलराम जी बहुत क्रोधित हुए और श्री कृष्ण से कहा, बार बार जरासंध हारने के बाद पृथ्वी के कोने कोने से दुष्टों के साथ महागठबंधन कर हम पर आक्रमण कर रहा है और तुम पूरी सेना को मार देते हो किंतु असली खुराफत करने वाले को ही छोड़ दे रहे हो। तब हंसते हुए श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया, हे भ्राता श्री, मैं जरासंध को बार बार जानबूझकर इसलिए छोड़ दे रहा हूं कि ये जरासंध पूरी पृथ्वी से दुष्टों के साथ महागठबंधन करता है और मेरे पास लाता है और मैं बहुत ही आसानी से एक ही जगह रहकर धरती के सभी दुष्टों को मार दे रहा हूं। नहीं तो मुझे इन दुष्टों को मारने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता और बिल में से खोज खोज कर निकाल निकाल कर मारना पड़ता और बहुत कष्ट झेलना पड़ता। दृष्टदलन का मेरा यह कार्य जरासंध ने बहुत आसान कर दिया है। जब सभी दुष्टों को मार लूंगा तो सबसे आखिरी में इसे भी खत्म कर दूंगा। चिंता ना करो भ्रताश्री, कृपया इस कथा को आप वैचारिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि आज हमारी पॉलिटिकल सिनारियो जो राज्य स्तर पर हो रही है वह भी कहीं ना कहीं इस तरह की महागठबंधन बना रही है। इसे बिल्कुल उस दृष्टि से ना देखें, हर यदि जोड़कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको इस कहानी में आनंद मिलेगा। जय हो, जय भारत।